11th क्लास, तो जैसे आप लोगों ने जो पहला चैप्टर हमारा चला था द लिविंग ऑर्गेनिज्म या लिविंग वर्ड, जो हमारा पहला चैप्टर चला था उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, माने किस प्रकार, क्यों हम उनको क्या कहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहते हैं। आज हम थोड़ा सा आगे मूव अप करेंगे उसमें कि किस प्रकार से बायोडाइवर्सिटी क्या होती है, और इतनी बड़ी डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी जो साइंटिफिक नेम जो साइंटिस्ट लोग देते हैं, तो किस प्रकार से साइंटिफिक नेम दिए जाते हैं और किस प्रकार से साइंटिफिक नाम क्या होते हैं वो लिखे जाते हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो साइंटिफिक नेम्स होते हैं वो, उनको लिखने के लिए पर्टिकुलर क्या होता है, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो आज हम उन रूल्स के बारे में जानेंगे कि कौन से ऐसे वो रूल्स होते हैं जिनके माध्यम से हम क्या करते हैं, जो साइंटिफिक नेम होते हैं, ठीक है, उनको लिखते हैं, और ऐसी कौन सी संस्थाएं होती हैं जो साइंटिफिक नेम को बनाती हैं, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अपना साइंटिफिक नेम लिख देगा फिर वो अप्रूवल कौन करेगा, ठीक है। तो वो सब चीजों के बारे में क्या करेंगे, आज हम क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स प्ले स्लाइड अबाउट डायवर्सिटी एंड बायोनोमियल नोमेनक्लेचर। तो चलिए बच्चों, चलते हैं आज के टॉपिक के बारे में जिसका नाम है डायवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो हम जो हमारा चैप्टर वो चल रहा है हमारा द लिविंग वर्ल्ड हमारा चैप्टर चल रहा है, और उसमें डाइवर्सिटी मतलब डाइवर्सिटी का मतलब अगर हम देखें तो क्या इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है कि जो जैव विविधताएं, अगर हम इसको सिंपल वे में देखें तो बायोडाइवर्सिटी हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है। बायो का मतलब होता है जैव और डाइवर्सिटी मतलब विभिन्नताएं, यानी कि आप देखते होंगे अपने सराउंडिंग में देखें तो आपको विभिन्न प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, एनिमल दिखाई देते हैं, और विभिन्न प्रकार के आपको क्या दिखाई देते हैं, प्लांट्स दिखाई देते हैं, है ना। ये सब क्या है, ये डाइवर्सिटी तो है ना। तो बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द नंबर एंड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, एनिमल, फंजाई, प्रोटिस्टा एंड मोनेराज ऑन द प्लेनेट अर्थ। आप लगाइए कि यहाँ पे प्लांट्स क्या हैं, अथाह प्लांट्स हैं, बहुत सारे प्लांट्स हैं, सब में क्या है डाइवर्सिटी, कोई आम का पेड़, कोई सेब का पेड़, कोई अलग अलग क्या है पेड़ आपके पास हैं। एनिमल्स देखे तो आप देखिए कि पोरीफेरा आप, है ना, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है आपके सीलनट्रेटा, पोरीफेरा से लेकर आपके एनलिडा देख लिया आप, आर्थ्रोपोडा देख लीजिए, है ना, मोलस्का देख लीजिए, ये सब क्या है, ये आपके एनिमल्स हैं, ठीक है ना। फंजाई भी देख लीजिए तो फंगस भी आपके क्या है, डिफरेंट डिफरेंट काइंड से क्या है, फंगस हैं। प्रोटिस्टा देख लीजिए आप लोग, है ना, अमीबा है, पैरामीशियम है, युगलीना है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या है आपके प्रोटिस्टा भी हैं, ठीक है। और उसी प्रकार मोनेरा भी हैं आपके, ये सब क्या है बेटा, इस अर्थ में क्या है ये मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू IUCN, यानी कि इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, टिल नाउ 1.7 to 1.8 million स्पीसीज ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैव बीन डिस्क्राइब्ड, यानी कि पूरे के पूरे अगर हम वर्ल्ड में देखें तो 1.7 से लेकर 1.8 million स्पीसीज जो है वो अभी तक क्या कर जा चुकी हैं, डिस्क्राइब कर दी जा चुकी हैं, मतलब इतनी स्पीसीज अभी तक हैं। येट मिलियन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स आर टू बी आइडेंटिफाइड, और इतने ही हो सकता है कि इतने ही एनिमल्स क्या हों अभी और भी हों, इतने ही प्लांट्स अभी और भी हों जो अभी तक हम क्या नहीं कर पाए, खोज नहीं पाए, ठीक है। दीज ऑर्गेनिजम्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वाइड रेंज ऑफ हैबिटेट इंक्लूडिंग डेंस फॉरेस्ट, थर्मल वेंट, ड्राई फॉरेस्ट, हॉट स्प्रिंग फॉर फ्रॉस्ट एक्सेट्रा, और ये सारे के सारे ऑर्गेनिज्म कहाँ मौजूद हैं, ये आपके डेंस फॉरेस्ट में मौजूद हैं, थर्मल वेंट में मौजूद हैं, ड्राई डेजर्ट में मौजूद हैं, हॉट स्प्रिंग्स में मौजूद हैं, फ्रॉस्ट में मौजूद हैं, सब जगह क्या है ये आपके मौजूद हैं। इसी प्रकार द नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर हायर इन डेंस फॉरेस्ट, जो ये नंबर है ऑर्गेनिज्म का ये डेंस फॉरेस्ट में क्या है सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, चाहे आप अमेजन फॉरेस्ट में चले जाओ, है ना, तो अमेजन फॉरेस्ट में तो इतने ज़्यादा वहाँ पे स्पीसीज है कि जिसका कोई अभी तक कोई पता भी नहीं चल रहा है, वहाँ पे कहा जाता है कि एक दिन में पता नहीं न जाने कितनी स्पीसीज वहाँ पे तैयार हो रही हैं और न जाने कितनी स्पीसीज वहाँ पे क्या हो रही हैं, वहाँ पे ख़त्म भी हो रही हैं। सॉरी, डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स आर नोन बाई दियर लोकल नेम्स विच वेरी फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, अब देखिए ये सब जो प्लांट्स हैं इनको सब जगह अलग अलग नाम से जाना जाएगा, लोकल नाम उसके अलग होते हैं, है ना, या एनिमल भी हो, जैसे यहाँ पे हम लोग शेर कह रहे हैं, शेर को शेर कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में लोकल नेम में कुछ और बोलते होंगे, इंग्लैंड में चले जाओ वहाँ कुछ और बोलते होंगे, रशिया में चले जाओ वहाँ कुछ और बोलते होंगे, है ना। फिर अगर हम अपने गढ़वाल में देखें तो गढ़वाल में देखा हो तो किसी पेड़ को बेसिकली हम लोग जैसे यहाँ पे हमने किसी पेड़ को क्या बोल दिया, कुछ नाम बोल दिया, उसी जगह दूसरी दूसरी जगह चले जाओ आप लोग, दूसरे डिस्ट्रिक्ट में उसी उसी पेड़ को दूसरे नाम से बोलते हैं, है ना। तो इससे क्या हो जाएगा, हैंस इन नीड
वॉज रियलाइज फॉर नेमिंग ऑर्गेनिज्म बाय द सेम नेम ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसलिए जरूरत पड़ी बेटा कि सारे प्लांट को इनका एक स्पेसिफिक नाम हो, या सारे एनिमल्स जो हैं इनका क्या हो, एक स्पेसिफिक नाम हो कि पूरे वर्ल्ड में उनको एक ही नाम से क्या किया जाए, जाना जाए पूरे वर्ल्ड में। जैसे होमो सेपियंस भाई इंसान का साइंटिफिक नेम है तो यही सब जगह है। मैंजीफेरा इंडिका मैंगो का क्या है साइंटिफिक नेम है, तो सब जगह क्या है ये आपका मैंजीफेरा इंडिका ही बोला जाएगा। नहीं तो हम यहाँ आम बोल रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया में कुछ और बोलते होंगे, रशिया में और बोलते होंगे, चाइना में कुछ और बोलते होंगे, है ना। तो इससे एक मिसकम्युनिकेशन जो है वो हमारे उन्हें पहुँच जाता है। इसीलिए हमको एक ऐसा नाम चाहिए जो सब जगह क्या हो, एक ही उससे बोला जाए। तो इससे क्या हुआ कि जब हम किसी और एनिमल, जब हम किसी प्लांट, जब इनके हम नाम हम इसको क्या करते हैं लिखते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है ना। द नेमिंग द ऑर्गेनिज्म यूजिंग ए सेट सिस्टम ऑफ टर्म इज रेफर्ड एज नोमेनक्लेचर। हम इसी को ही क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर बोलते हैं, ठीक है ना। बिफोर नोमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज इसेंशियल। अब नोमेनक्लेचर से पहले हमको आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए ऑर्गेनिज्म का। भाई माना जाए अगर किसी कोई हमको नई स्पीसीज मिली, अब कोई नई स्पीसीज मिली तो उसका आइडेंटिफिकेशन तो चाहिए ना हमको भाई, कि किस प्रकार, नहीं तो हम उसका नाम कैसे लिखेंगे हम लोग। तो आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव मेड अ सिस्टम एंड एस्टेब्लिश प्रोसीजर टू असाइन ए साइंटिफिक नेम टू ईच नॉन ऑर्गेनिज्म विच इज एक्सेप्टेड बाय ऑल। पूरे विश्व के साइंटिस्टों ने एक ऐसा सिस्टम तैयार किया बेटा कि साइंटिफिक नेम देने का, ठीक है ना। और केवल दो संस्थाएं ही ऐसी होती हैं बेटा जो नाम देने का काम करते हैं। जैसे जैसे प्लांट्स हैं, तो प्लांट जितने भी वर्ल्ड में प्लांट हैं, चाहे जितनी भी नई नई स्पीसीज प्लांट की खोई जाएंगी, ठीक है ना, उन सबको नाम देने का काम एक संस्था करती है, एक एजेंसी करती है, जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, यानी ICBN इसको हम लोग बोलते हैं। तो साइंटिफिक नेम ऑफ प्लांट्स आर बेस्ड ऑन एग्रीड प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया प्रोवाइडेड बाई इंटरनेशनल कोड फॉर बॉटनिकल नोमेनक्लेचर, ठीक है ना। और एनिमल्स का नाम देने के लिए अलग एक संस्था है जिसका नाम क्या है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर, यानी एनिमल टैक्सोनॉमिस्ट जो होते हैं, इन्होंने क्या बोला कि एनिमल्स का नाम देने के लिए यह संस्था का निर्माण किया गया, इंटरनेशनल कोड ऑफ जियोलॉजिकल नोमेनक्लेचर। नेम फॉर एन ऑर्गेनिज्म इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड एंड यूनिक फॉर इट, नॉट यूज फॉर एनी अदर नॉन ऑर्गेनिज्म। इट description should enable the people in any part of the world to arrive at the same name. Similar nomenclature rules are formulated by other agencies. अब देखिए जैसे इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature ऑफ बैक्टीरिया, एक जितने भी बैक्टीरिया नए खोजे जाएंगे उनका नाम ये देती है। इंटरनेशनल कोड ऑफ nomenclature फॉर कल्टिवेटेड प्लांट, जितने भी आप ये कल्टिवेटेड प्लांट होते हैं, ठीक है, उनको उनका नाम कौन सजेस्ट करेगा, ये ICNCP। और उसी प्रकार जो इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन नोमेनक्लेचर, इसका नाम कौन देगा, वायरस का नाम कौन देगा, ICVCN, यानी कि वायरस जितने, जैसे ही कोरोना वायरस नया नोवेल जिसको हम COVID-19 बोलते हैं ना, तो नोवेल कोरोना वायरस को बोल रहे हैं हम लोग, तो इसका नोमेनक्लेचर किसने क्या होगा, इसका भी इसने क्या होगा, ICVCN, इंटरनेशनल कोड ऑफ वायरस क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ठीक है। अब ये नाम होते कैसे हैं, किस प्रकार से हम नाम लिखते हैं, तो नाम आपने देखोगे बेटा, मैंजीफेरा इंडिका, होमो सेपियंस, दो नाम आ रहे हैं ना, होमो सेपियंस, मैंजीफेरा इंडिका, यानी कि जो फर्स्ट नाम होगा वो क्या होगा बेटा, आपका जेनेरिक नेम होगा। द नेम ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म हैज टू कंपोनेंट, द जेनेरिक नेम एंड द स्पेसिफिक नेम या इफिथेट। दिस इज नोन एज बायोनॉमिकल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और ये जो सिस्टम है जिसमें दो नाम होते हैं, एक जेनेरिक होता है, एक स्पेसिफिक होता है, इसको हम बोलते हैं बायोनॉमियल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। और ये सबसे पहले किसने दिया था बेटा, तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसको दिया था। इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में आता है कि बायोनोमियल नोमेनक्लेचर सिस्टम जो है वो किसने दिया था पहली बार, तो कैरोलस लीनियस ने सबसे पहले इसको क्या किया था, दिया था। एक बुक इन्होंने छापी थी बेटा, सिस्टमा नेचर, इसमें इन्होंने सबसे पहले इस सिस्टम को बताया था कि हम इस प्रकार से नाम को लिख सकते हैं। एग्जाम्पल मैंगो, जैसे इसका नाम है मैंजीफेरा इंडिका, तो मैंजीफेरा क्या है बेटा, इसमें जीनस का नाम है, और इंडिका क्या है यहाँ पे, स्पेसिफिक नाम है या स्पेसिफिक नाम है यहाँ पे, ठीक है। अदर यूनिवर्सल रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर इंक्लूड द फॉलोइंग।
बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली इन लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक। जो बायोलॉजिकल नेम्स होते हैं बेटा, इनको जनरली हम लैटिन ये लैंग्वेज होती है ये, और इसको इटैलिक इटैलिक उसमें हम लिखते हैं, ठीक है। जब हम कहाँ लिख रहे हैं, कंप्यूटर पे लिख रहे हैं, ठीक है ना, तभी इटैलिक लिखना है इसको। दे आर आइदर लैटिनाइज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर ओरिजिन ऑफ डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन। ये लैटिन नाम से क्या होता है, ये निकले जाते हैं, ठीक है ना, ये शब्द। इन द स्पेसिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म फर्स्ट पार्ट इज जीनस एंड द सेकंड स्पेसिफिक इफिट, ये सबको पता है, ये पता हो गया आपको। होमो जीनस सेपियंस स्पीसीज, मैंजीफेरा जीनस इंडिका स्पीसीज। व्हेन द स्पेसिफिक नेम इज हैंड रिटन बोथ पार्ट्स आर अंडरलाइन सेपरेटली। जब भी हम इसको हैंड रिटन में लिखते हैं तो होमो अंडरलाइन, सेपियंस अंडरलाइन, मैंजीफेरा भी अंडरलाइन, इंडिका ठीक है ये भी अंडरलाइन। व्हेन प्रिंटेड टाइप इन इटैलिक टू इंडिकेट दियर लैटिन ओरिजिन। और जब भी हम इसको क्या करते हैं उसमें लिखते हैं, जब प्रिंटेड मटेरियल में कंप्यूटर में लिख रहे हैं हम लोग इसको, तो इटैलिक में लिखना है इसको, ठीक है ना। द जीनस स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर, जो जीनस लिखेंगे हम लोग वो कैपिटल लेटर में होगा, और जो स्पीसीज होगा वो स्मॉल लेटर से क्या होगा, स्टार्ट होगा। द नेम ऑफ ऑथर इज मेंशन आफ्टर द स्पेसिफिक इफिट। अब जो इसके बाद क्या होता है, बेसिकली क्या होता है बेटा, कि जो नाम होता है जिस साइंटिस्ट ने उस स्पीसीज को खोजा उसका नाम थर्ड में आता है, ठीक है, लेकिन हम उसको ज़्यादातर हम बोलते नहीं हैं उसको, लेकिन पूरा नाम वैसे यही होता है। जैसे देखो, एट द एंड ऑफ बायोलॉजिकल नेम एंड इज रिटन इन एन एबरेटिविट फॉर्म, जैसे मैंजीफेरा इंडिका लिन, ठीक है ना। तो ये लिन जो नाम है ये लीनियस से लिया गया है, तो मैंजीफेरा इंडिका लीनियस वैसे इसका पूरा नाम है, ठीक है ना। तो लेकिन हम नॉर्मली क्या बोलते हैं, मैंजीफेरा इंडिका बोल लेते हैं, ठीक है। तो ये लिन जो नाम है ये उसको दिया गया जिसने इसको खोजा होगा, ठीक है ना। प्रिंसिपल ऑफ प्रियोरिटी, इफ फर्स्ट नेम गिवन टू एन ऑर्गेनिज्म इज वैलिड बेस्ड ऑन रूल, देन इट इज गिवन प्रिफरेंस ओवर द सेकेंड नेम सजेस्टेड फॉर द सेम ऑर्गेनिज्म एट सम टाइम लेटर। द सेकेंड नेम इज कंसिडर्ड एज सिनोनिम्स बट इज नेवर एज ए प्रिफर। ये जो है ये रूल जो है ये बाद वाला रूल है, इसको हम लोग नहीं लेंगे ज़्यादातर, ठीक है ना। लेकिन जो मेन है ये यही है आपका, जो मैंने आपको इसमें बताया कि किस प्रकार से हम लोग इसका नॉमनक्लेचर करते हैं, ठीक है ना। तो कॉमन नेम जैसे ये देख लीजिए, ह्यूमन होमोसेपियंस लॉयन पेंथरा लियो डॉग, है ना, ओनियन वीट ब्रिंजल रोज रोजा इंडिका, है ना। तो ये सब क्या है बेटा, ये आपके क्या है, ये साइंटिफिक नेम है इनके, कॉमन नेम, ठीक है ना। यस, तो इसके बाद हम कल देखेंगे कि भाई क्लासिफिकेशन की नीड क्यों हुई, क्यों हम इनको क्लासिफाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन आज का टॉपिक इतना ही रहेगा यहाँ पे कि किस प्रकार से हम इनको साइंटिफिक नेम को लिखते हैं, और कौन कौन सी संस्थाएँ इसको क्या करती हैं, साइंटिफिक नेम को बनाती हैं। तो तब तक के लिए बाय।